प्रश्न देखिए, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? तो लगभग 100 गुफाएं किस गुफा में, किस यहाँ पे किसमें जो है 100 गुफाएं हैं, तो वो है कन्हेरी में। अगला प्रश्न देखिए, 92 प्रश्न क्या कर रहा है, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण किया गया है? तो जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का जो है इसमें चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 93 क्या कह रहा है, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। 94 प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? दोनों को जो है, जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी थे, उन्हें जो है श्रमण के नाम से जाना जाता था। 95 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे, क्या उपयोग में लाए जाते थे, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। 96 प्रश्न देखिए क्या है, गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? कौन था, आर्यभट्ट। 97 प्रश्न देखिए, जिंदा अवस्था निम्न में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो जिंदा अवस्था किसकी पुस्तक है, वो पारसी पुस्तक है। 98 क्या है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की थी? तो वो है राजराज प्रथम। अगला प्रश्न 99 देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? तो उन्होंने जो है किस मूर्ति की रचना की थी, जो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, वो है नृत्य करती हुई बालिका की। अगला प्रश्न देखिए, 100वां प्रश्न क्या कह रहा है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक